पॉपुलेशन एसटीएस नूराबादस वह पर्सेंट पॉपुलेशन पहलगामस अगर एसटी पॉपुलेशन बुनियादन पे वा यह सीट कत यह डिजर्व ग नूराबाद मगर कम लुख रूद ये फॉलो कर चकिल पोर पे ओनक एस टी बोय सो रलोक वोत्रस पे ओनक एस टी बोय सो रलोक अकिन गाम पे तुल रुई मज एस टी बोय सो थोक अकिन गाम थोड़ा सागाम अंदरवान पे तुलक एस टी। मेरे बैंक के भाइयों, चाहे वो हल्के सुदूर साहिबान है या खून मजनून है, पीडीपी के खून मजनून है, और बुजुर्गों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं 40 साल से सियासी वर्कर, मैंने दो दफ़ा एमएलसी भी रहा हूँ, मेरा लड़का भी वाइस चेयरमैन रहा। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ एक मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी हुई, अगर इसको बनाना ही था तो इसको पूरी को बनाना था। अब कुठाड़ वालों को हमारे साथ मिलाया, हमें कुठाड़ के साथ मिलाया, उनको भी परेशानी, हमें भी परेशानी। खैर, अल्लाह का करना ऐसा है कि इस वक्त एक बहुत जालम हुकूमत के तहत हम लोग फंसे हैं। कश्मीरियों को इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आप सब लोग जानते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैंने शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी थोड़ा बहुत काम किया है, और वो लोग भी मुझे जानते हैं, और कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मैं हूँ ही, यहाँ का पैदाइश हूँ, मैं इसी कोकरनाग की धरती की औलाद हूँ। मैं इसको के कश्मीरी को और गुजर में कोई फर्का नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कश्मीरी मुझे पहले है और गुजर बाद में, क्योंकि मैंने कश्मीरियों के घर में पला हूँ, मैंने पढ़ा है, सब कुछ किया है, और इंशाल्लाह मैंने कभी साबित भी ये नहीं किया कि मेरे नज़रों में कोई तफरकाबाजी है गुजर और कश्मीरी की। मैं आंका भी अपनी तरफ से और अपने औलाद गुलजार साहब की तरफ से ये आपको हल्फन अहद करता हूँ कि मेरे लिए जो मेरे हल्का प्रेजिडेंट है, जो मेरे जोनल प्रेजिडेंट है, जो मेरे ब्लॉक प्रेजिडेंट है, वही मेरे हाकम होंगे, उन्हीं के हुक्म के तहत मैं और मेरा लड़का काम करेंगे। ये आपको मैं तसल्ली देता हूँ, आज़र ओ ईमान, कि हम किसी को निगलेक्ट नहीं करेंगे। और ये भी साथ में कहता हूँ कि मैंने 40 साल यहाँ सर्विस की है, 40 साल खिदमत की है, लेकिन किसी से एक रुपया नहीं दिया। मुझे मेरे अल्लाह ने रोटी बहुत दी है, खाने मेरा गुजारा चल रहा है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। मैं आपसे ये भी याद करता हूँ कि ना मेरे लड़के और ना मैं कभी आपसे करप्शन करेंगे, किसी किस्म का पैसा नहीं लेने की कोशिश करेंगे, और जो पैसा जो मानत आपकी आएगी वो आप लोगों को पहुँचाया जाएगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो तरक्याती के काम हो, चाहे कोई भी मसला हो, हम आपके आप लोगों के हौसला अफजाई करेंगे, किसी के साथ कोई ज्यादा। मैं आपके आगे हलम डालता हूँ, चाहे वो मेरे गुजर भाई हैं, चाहे कश्मीरी भाई हैं, कि इस दफा एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, सारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इम्तिहान है, और हमें भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरमायादार हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारे पास आप लोगों का एतमाद है, और आपके भरोसे पर हम इलेक्शन में आए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप ही के भरोसे पर हम इलेक्शन में सरखरू होकर जीत कर मैदान में आएंगे। मेरे तरफ अस्सलाम वालेकुम। एक लड़ मुबारक चलन इन पसन शत्रुकुल ब्लॉक पे आए तो अथरलोन, और इन लोगों ने ये समझा मुझे इसके काबिल, और मुझे आज ये दावत देने आए हैं कि हमारे इलाके में आए, हम आपके साथ इंशाल्लाह। मैं भी अपनी तरफ से इनको यकीन दिलानी दिलाता हूँ कि जिस तरीके से किला मेरे वालिद साहब ने इलाके ब्रेन में जिस तरह लोगों की खिदमत की है, उसे नक्शे कदम पे मैं भी चलूंगा, और इंशाल्लाह इस इलाके की खिदमत मेरे लिए जैसे लारू ब्लॉक या ब्रेन ब्लॉक है, और इन्हीं नजरों से इंशाल्लाह चित्रकूट ब्लॉक और शागस ब्लॉक के लोगों को भी मैं इंशाल्लाह सबको ए
एक ही तरह एक ही नजर से देखूंगा, मेरे लिए गुज्जर कश्मीरी बकरवाल सब एक हैं, सब लोगों को मेरा ये पैगाम है। अपने सब साथियों से ये कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, बात सुनिए लोकल तो जैनून मैं बुजान तो इंशाल्लाह बस माल पत माल घर पत घर यथ कह मैं इन त्रेन वर्य चौर वर्य पत्म मज तक फिर पे अलक मे बी गई सी कोशिश इंशाल्लाह बोस अक अलक सरपंच तो यहाँ मे ये स्टार्ट कर्म मे जहाँ मे फेस सियास जॉन कर्म तन पे आज तय तथ सकान बहुत शुक्र गुजार तुंद सचिन जिठन कि तुम अबिल समझ बो तब मे सौसला अफजाई कर। मैं अपने हाई कमान की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि ये सीट एसटी हो चुकी है, फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, आप जाएं और कुकरनाग में बैठे और शुरू करें। और मैं यहाँ आया और आप जिस तरह आप लोग जोग तक जोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, इन अल्फाजों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ साथ में आज आपके साथियों से सबके आज मीटिंग जो बुलाई है इसका मुद्दा और मकसद ये है, एक तो जो हमारे साथ ये नए मेहमान आए हैं इनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करने के लिए और एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, दूसरे नंबर मेंबरशिप ड्राइव के लिए आप लोग सब हल्के सदूर साहिबान एक एक करके हर हल्के की जो बात है मेरे से करेंगे और मुझे बताएंगे किस हल्के में हमारी मेंबरशिप पहुंची है किसमें नहीं पहुंची है। हमें घर घर तक मेंबरशिप पहुंचानी है और अपनी पार्टी का जो मंशूर है उसको आगे चलाना है, पार्टी को मजबूत करें। मैं पार्टी का एक अदना सिपाही हूं, आपका खादिम हूं, इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन मैं आपके साथ हूं, जिस वक्त भी आपको जहां पे मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं।